हेलो दोस्तों, मैं हूं सुकोमल चक्रवर्ती और आज पहली बार मैं आप लोगों के सामने खुद को दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। मेरा 8000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है और इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और आज पहली बार मेरा जो खुद का घर का जो कबूतर है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखते रहिए दोस्तों। मेरा साथ है भुवन दास, मेरा ही स्टूडेंट है और भुवन इस वीडियो को करने के लिए मुझे हेल्प करने वाला है। दोस्तों, पहला कबूतर जो आपको दिखा रहा हूँ वो है मेरे घर का वाइट हुमर कबूतर। देखिए दोस्तों, वाइट हुमर, ये एक नर कबूतर है। बहुत बड़ा साइज का कबूतर है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मेरा बहुत ही फेवरेट कबूतर है। और देखिए, यह है नर हुमर कबूतर और इसका मैं मादा दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यह है इसका मादा कबूतर, यह है इसका मादा। बहुत ही चंचल है। यह है नर और यह है मादा, ये हुमर कबूतर। देखिए, वाइट हुमर। और पहला कबूतर आप लोगों को दिखा दिया है, मैं इसके बाद दिखाऊंगा वाइट हुमर। इसका इसका पहला जेनरेशन, इसका माता पिता, ये जो कबूतर मैंने आप लोगों को दिखाया, ये उसका पिता यानी डैडी। ये अभी इसका ही बच्चा है वो, और उसका भी बच्चा नहीं हुआ है एक बार भी। अभी बच्चे देने वाला है, टाइम हो गया है। और ये है इसका नर कबूतर, उसके उससे पहले। और इसका मादा जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है मादा। पहले जो जोड़ा आपने देखा, उस जोड़े का माता, मादी कबूतर है। ये भी बूढ़ा हो गया है, फिर भी इसका एक बच्चा, अभी नया एक बच्चा हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये है सबसे बूढ़ा कबूतर और इसका एक बच्चा भी है, और ये बच्चा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक हुमर का बच्चा हुआ है, तो ये बहुत ही छोटा है, छोटा सा बच्चा हुआ है उस जोड़ा का। उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरे पास एक लाल शीरा या फुल शीरा जो भी कहे कहिए, एक उसका जोड़ा है, एक गिरिबाज कबूतर है, लाल शीरा फुल शीरा, और ये बहुत ही अच्छा उड़ता है। मेरा तो ज़्यादातर जो उड़ने वाला कबूतर है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा जो दो चार फैंसी कबूतर भी मेरे पास है, इसका जोड़ा देखिए, देखिए ये है मादा, ये है मादा और ये है नर। इस जोड़ा कबूतर और साउंड देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक सा जो आवाज करता है, मुझे बहुत पसंद है। नर का चौक देखा है काले, इधर तो आंखें ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। देखिए आंखें, अगर आप देख सकते हैं, आँख के अंदर थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। ठीक है, ये मादा नर, ये मद्रासी कबूतर, छोटा सा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव कबूतर है। मद्रासी कबूतर ये नर है, ये कबूतर राइट हैंडर पर, ये मादा है। ये जोड़ा
सबसे ज़्यादा उड़ता है, इसलिए मेरा जो फेवरेट है सबसे, मैं रोज उड़ाता हूँ इस दो कबूतर को क्या मुझको। देखिए दोस्तों ये मद्रास कबूतर, इसका बच्चा मैं दिखा रहा हूँ, दो प्यार बच्चा है मेरे पास, इसका बच्चा दिखा रहा हूँ मैंने। देखिए शानदार बच्चा हुआ है, बहुत ही बढ़िया बच्चा हुआ, दो बच्चे। मैं जो विंटर सीजन आ रहा है उसके लिए ये दो बच्चे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, मुझे यकीन है। देखिए आप लोग ज़रूर कमेंट करना है कैसा लगा मेरा ये कबूतर। फैंसी कबूतर तो मैं रखूँगा नहीं, मैं सब हाई फ्लाइंग कबूतर ही पालना चाहता हूँ, तो थोड़ा बहुत जो फैंसी कबूतर है वो मैं ज़्यादा दिन नहीं रखूँगा, और ये ऐसा ही कबूतर मैं करूँगा जो बहुत ही अच्छे उड़ता है। ये दो बच्चे गेटअप, देखिए गेटअप से ही पता चलता है कबूतर का कि ये उड़ने वाला है, गेटअप से ही पता चलता है। जो कबूतर लोग पालते हैं वो देख कर ही थोड़ा पता चल जाता है कि कैसे उड़ते हैं। ये दो बच्चे, मेरे पास दो काला सबूज का बच्चा है, अभी तो बच्चा नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन अभी मैं बच्चा ही कहूँगा इसको। ये दो गिरीबाज काला सबूज, देखिए दो गिरीबाज काला सबूज है मेरे पास, और इसका जो खास बात है जो काला सबूज का जो पैर है, दोनों ही पैर तो देखिए, पैर का कलर देखिए, यही ज़्यादातर लोग ढूंढते हैं जो ब्लैक वाला पैर काला सबूज का, और जो चोंच है वो बहुत ही छोटा, यही काला सबूज ओरिजिनल काला सबूज माना जाता है। और इसका भी देखिए पैर, इसका भी पैर देखिए और चोंच देखिए और आंखें देखिए। देखिए दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है हाई फ्लाइंग कबूतर, और मैं वीडियो भी ज़्यादातर हाई फ्लाइंग कबूतर के ही बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो कबूतर प्रेमी है वो हाई फ्लाइंग कबूतर ही ज़्यादातर पसंद करते हैं। फैंसी कबूतर के भी एक लवर होता है, लेकिन हाई फ्लाइंग कबूतर के लवर थोड़े ज़्यादा है। देखिए यह फैंसी कबूतर आउल, ये एक जोड़ा है, आउल कबूतर, और इसका और एक जोड़ा है जो उधर बैठा है। देखिए ये जो है, ये है नर कबूतर, आउल कबूतर देखने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये उड़ने के लिए तो नहीं है, ये सिर्फ सौंदर्य देखने के लिए है। और ये नर उसका पिता, और इसका मादा है, ये देखिए ये है मादा कबूतर, बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों मेरा कबूतर आपको कैसा लगा जरूर बताएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं सारे मेरे सब्सक्राइबर को और मेरे व्यूअर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे जो कबूतर के चैनल को बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक ही मकसद है कि दुनिया में जितने भी कबूतर प्रेमी हैं वो सारे को, सबको मैं कबूतर दिखाऊँ, खुश करूँ, और कबूतर प्रेमी जो कम कबूतर पालते हैं या ज़्यादा कबूतर पालते हैं सारे ही कबूतर प्रेमी हैं, मैं कोई छोटा या बड़ा नहीं देखता, मैं सारे कबूतर प्रेमी का वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई कलकत्ता या साउथ चौबीस परगना के आसपास कोई कबूतर प्रेमी मेरे चैनल पर अपना कबूतर सारे दुनिया को दिखाना चाहता है मेरे चैनल के ज़रिए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ तक ही ख़त्म करता हूँ दोस्तों, थैंक यू भुवन मुझे हेल्प करने के लिए। हाँ टाटा।